मोदी सरकार का भयंकर ऐलान, अगर आपने भी बनवा रखा है ई श्रम कार्ड तो आपको इन 5 बैंकों में मिल सकते हैं 10,000 रुपए की धनराशि। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी बनवा रखा है ई श्रम कार्ड तो आप किस बैंक में खाता खुलवाकर 10,000 रुपए की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 0 बैलेंस बचत खाता खुलवा रखा था तो आपको कहीं भी बैंक में खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 बैलेंस बचत खाता को अगर आपने ई श्रम कार्ड से ज्वाइंट कर रखा है तो आपके खाते में आज रात 12 बजे से ई श्रम कार्ड की तहत 10,000 रुपए की धनराशि पहुंचा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ई श्रम कार्ड के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के लगभग 35% लोग अपना रोजगार गंवा बैठे हैं और उन सभी बेरोजगारों को उनकी जरूरत के अनुसार अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए इस 10,000 रुपए की धनराशि को उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगर आपने इन 5 बैंकों में अपना खाता खुलवा रखा है तो आपके खाते में डायरेक्ट ई श्रम कार्ड के तहत 10,000 रुपए की धनराशि किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी। दोस्तों सबसे पहला, अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है तो आज रात 12 बजे से 10,000 रुपए की धनराशि आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। और इसी के साथ यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, SBI बैंक के साथ साथ अगर आपने यूनियन बैंक में अपना खाता खुलवा रखा है तो इन सभी बैंकों में आपका ई श्रम कार्ड का पहला किस्त के तौर पर 10,000 रुपए की धनराशि आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों सरकारी योजनाओं से जुड़ी और साथ ही ई श्रम कार्ड से जुड़ी अन्य कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारियाँ बिल्कुल मुफ्त हैं। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।